हे गाइस, मैं शांभवी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube के इंटरेस्टिंग से सेशन में, जिसमें मैं तुम्हें फ्रेजल वर्ब तैयार करवाने वाली हूँ। और आज मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है गिव इन और गिव अप में। ठीक है, ये दोनों ही शब्द आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और लगातार ये एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो चलो, मैं ऐसे बताने से पहले एक छोटा सा अपडेट है जो तुम्हें बताना है गाइस। प्राइस हाइक होना है 28 जुलाई से। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही देख रहे हो, 28 जुलाई के बाद में रुपए बढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम में से कोई भी बालक कोई भी बालिका अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, अभी भी समय है तुम्हारे पास। फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। बहुत बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लगातार परेशान होते हैं, मैम अब मैम सब्सक्रिप्शन डन करना है, मैम पहले वाले प्राइस में करना है। देखो गाइज, ये इनबिल्ड होता है, सिस्टम ओरिएंटेड होता है, राइट? तो तुम में से जिन जिन को ज्वाइन करना है 28 जुलाई से पहले पहले ज्वाइन कर लो, जिससे कि तुम्हारा जो नुकसान है ना वो ना हो पाए, है ना। यहाँ पे सारे एजुकेटर तुम्हें करने को मिलेंगे, द बेस्ट एजुकेटर आर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। सारे के सारे तुम अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। इसके अलावा देखो, 28 जुलाई तक तुम्हारा ये 4 महीने और 8 महीने वाला भी कंसेप्ट फ्री है। ठीक है, अगर तुम SSC और बैंक का कॉम्बो लेना चाहते हो तो इसमें +6 मंथ और +12 मंथ चल रहा है। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज तुम्हें दी जा रही है, मॉक टेस्ट सीरीज पूरी फ्री मिल रही है ना, इधर पूरा 24/7 तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, मैथ्स रीजनिंग GS इंग्लिश सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक मिल रहा है, तो और क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? तो बस SP Max लगा डालो, ये है रेफरल कोड, इसका प्रयोग करो, बढ़िया सब्सक्रिप्शन डन करो और इस बार SSC आर्या पार करो। चलो आओ, तो गाइस यहाँ पर जो डिफरेंस है ना गिव इन और गिव अप में क्या है, देखो गिव इन मतलब होता है ना सामने वाले के सामने समर्पण कर देना। ठीक है, हाँ अगर तुम क्या कर रहे हो ना, तुम कभी भी एकदम से डिफीट अगर मान ले रहे हो, इधर देखो इसको बोलते हैं एडमिट डिफीट, हार स्वीकार कर लेना। ठीक है, उसे बोलते हैं हमने गिव इन कर दिया, इसे ही हम कैप्चुलेट भी बोलते हैं। इसका स्पेलिंग है CAPITULATE, है ना, कैप्चुलेट यानी एडमिट कर लिया हार को, है ना। फाइट वगैरह हमने रोक दी, आर्ग्यू वगैरह हमने रोक दिया, सरेंडर कर दिया, ये वाली बात है। आओ देखते हैं, हाउ एवर द किंग हैड स्ट्रगल्ड हार्ड बट एट द एंड ही हैड टू गिव इन। कह रहा है जो राजा था ना, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत उसने जूझने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड उसको गिव इन करना पड़ा, समर्पण कर देना पड़ा, अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, ये बोला जा रहा है। चलो आगे देखते हैं, तो गिव इन मतलब समर्पण करना, एडमिट कर लेना अपनी हार को। आगे देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज गिव अप करना। देखो गाइस, वहां पे हार स्वीकार कर रहे थे, यहाँ पे किसी चीज को ना तुम अबेंडन कर रहे हो, त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो। गिव अप मतलब क्या होता है ना, तुमने त्याग दिया, किसी भी चीज को छोड़ दिया, है ना, रिलिंक्विश कर देना, रिनाउंस कर देना, राइट? तो इधर देखो, आफ्टर वॉचिंग द हाइट ऑफ द माउंटेन वी गेव अप आवर प्लान ऑफ क्लाइंबिंग। हमने क्या कर दिया ना, हमने त्याग दिया, जैसे ही देखा इतना ज्यादा माउंटेन ऊंचा है, वैसे ही हमने सोचा कि चलो इस प्लान को अब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो किसी भी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, वो होता है क्या, किसी चीज को बिल्कुल जाने देना। तो देखो गाइज, आपको दोनों ही मीनिंग गिव इन और गिव अप एक दूसरे के क्लोज मीनिंग के साथ में दिख रहे हैं। इनका दोनों का ही मीनिंग क्या है, पिछले वाले का मतलब है हार स्वीकार कर लेना, और इधर गिव अप मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना, अबेंडन कर देना, ठीक है, फोरसेक कर देना, राइट? बिल्कुल, तो वही है। यहाँ पे दोनों ही जो डिफरेंसेस हैं मैंने बता दिए हैं, इनको प्रॉपरली कर लो, जिससे कि अपकमिंग जो तुम्हारा पेपर है उसमें बढ़िया से नंबर ला पाओ। ठीक है, आजकल फ्रेजल वो बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलो, इसके अलावा गाइस, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तुम कुछ पूछना चाहते हो, तो ये नंबर है 7318416172। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके बात कर लो, ये है रेफरल कोड, इसका कोड का प्रयोग करो, बढ़िया सब्सक्रिप्शन डन करो और इस बार SSC आर्या पार करो। ओके गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखो। ओके, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।